ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रवार को शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार करता दिखा। शुरुआत में थोड़ी तेजी दिख रही थी लेकिन बाद में 220 अंकों की गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट है, 19,000 का स्तर कल पार कर गया था बाजार, लेकिन उसके बाद आज ये जो बंद हुआ है तो 18,858 पर। निफ्टी का भी लगभग यही हाल रहा, इसमें गिरावट जिस तरह से तेजी से अचानक आई तो वो 5600 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, लेकिन 68 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और आज जो कारोबार के दौरान जो शेयर रहे जिनमें तेजी देखने को मिली है वो है डीएलएफ, हीरो होंडा, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो। हालांकि स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, हिंडालको, जयप्रकाश एसोसिएट्स, जिंदल स्टील और आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा रिलायंस बड़ी वजह रहा बाजार को नीचे घसीटने में। अब अगर हफ्ते भर की बात करें शेयर बाजार में जिस तरह से कैसे सोमवार को बाजार जब खुला तो ठीक ठाक सी एक अच्छी तेजी के साथ रहा, लेकिन मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। बुधवार बाजार के लिए कोई दिशा नहीं तय कर पाया, सिर्फ 18 अंकों की छोटी सी मामूली गिरावट रही जिसे गिरावट नहीं कह सकते, लेकिन गुरुवार को अचानक बड़ी तेजी आई। कोई खास वजह नहीं दिखी बाजार क्यों अचानक इतना चढ़ा, और वो सारी की सारी जो तेजी थी वो लगभग शुक्रवार को गायब हो गई। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये हफ्ता लगभग बिना किसी नफा नुकसान के बाजार के लिए होता दिखा। बाजार दिशा नहीं तय कर पा रहा है, लेकिन काले धन के मामले में सुप्रीम कोर्ट उसने रुख कड़ा अपना लिया है और काले धन के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने का आदेश दे दिया है, और यह टीम समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को जांच की प्रगति के बारे में भी बताएगी। जस्टिस पीवी जीवन रेड्डी की अगुवाई में गठित की जाने वाली इस एसआईटी के पास देश और विदेश में किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार होगा। केंद्र सरकार के विरुद्ध बहुत स्ट्रांग आलोचना है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जानकारी, सूचना, डॉक्यूमेंट जो मांगे थे काले धन के संबंधित वो प्रदान नहीं किए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि एक बहुत ही गंभीर मामला है, लाखों करोड़ों रुपए विदेश में जा रहे हैं और ये विदेश में जो रुपए जा रहे हैं उसका किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है ये देश की सुरक्षा और देश के प्रति गंभीर खतरा दिखाता है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, उसके जो चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पीवी जीवन रेड्डी हैं, को चेयरमैन श्री एमबी शाह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। कई मोर्चों पर जूझ रही एयर इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। एयर इंडिया को इसी साल बहुप्रतीक्षित अल्ट्रा लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की डिलीवरी मिल जाएगी। हालांकि इसे इस विमान की डिलीवरी मई 2008 में ही कर लेनी थी। बोइंग इंडिया का कहना है कि एयर इंडिया को पहले बोइंग 787 की आपूर्ति अक्टूबर से दिसंबर 2011 के बीच कभी भी कर दी जाएगी। ये विमान अगले सप्ताह टेस्ट फ्लाइट के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आ रहा है। सबसे तेज गति से उड़ने वाला यह ड्रीम लाइनर 210 से 330 यात्रियों को ले जा सकता है एक बार में। दो इंजन वाला बोइंग 787 कार्बन फाइबर से बने होने के कारण वजन में काफी हल्का है, जिसकी वजह से यह 20% कम ईंधन खपत करेगा। एयर इंडिया की पहली जहाज इस साल फोर्थ क्वार्टर में आएगी, मतलब अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, और हम अभी देखेंगे हिंदुस्तान में तो करीबन 109 जहाज अभी हमने ऑर्डर ले चुके हैं लेकिन इसकी डिलीवरी हुई नहीं है। और ट्रैफिक में फंसे हुए अगर अभी तक आपको ये लगता था कि गाने ही सिर्फ सुनने को मिल रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, एफएम रेडियो पर भी समाचार सुनने को मिलेंगे। सरकार ने एफएम रेडियो के फेज 3 विस्तार के साथ ही एफएम पर समाचार को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के ही समाचार एफएम पर सुनाए जा सकेंगे। सरकार ने रेडियो में एफडीआई सीमा को 20% से बढ़ाकर 26% करने की भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने एफएम रेडियो चैनल को एक बड़ा तोहफा दिया है, अब एफएम ऑल इंडिया रेडियो के समाचार प्रसारित कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने एफएम चैनलों की नीलामी के तीसरे चरण को मंजूरी भी दे दी।
सरकार को एफएम चैनलों की नीलामी के तीसरे चरण से 1733 करोड़ रुपए की आय मिलने की उम्मीद है। सरकार ने एफएम रेडियो चैनल में एफडीआई की लिमिट भी 20% से बढ़ाकर 26% कर दी है। कैबिनेट इन इट्स मीटिंग टुडे अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू अप्रूव द पॉलिसी गाइडलाइंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज थ्रू प्राइवेट एजेंसीज दैट इज द एफएम फेज 3। एफएम रेडियो चैनल के तीसरे चरण की नीलामी में 227 नए शहरों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल 86 शहरों में प्राइवेट एफएम चैनलों की इजाजत है। सरकार ने नई नीति के तहत प्रत्येक एफएम ऑपरेटर को एक से ज्यादा चैनल के प्रसारण की मंजूरी दी है। हालांकि सरकार ने एफएम चैनल के सामने शर्त रखी है कि एक से ज्यादा चैनल के प्रसारण पर एफएम चैनल की बाजार हिस्सेदारी 40% से अधिक न हो। साथ ही जिस शहर में कम से कम 3 एफएम ऑपरेटर होंगे तो ही एक से ज्यादा चैनल की मंजूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कारोबारी दुनिया की 10 बड़ी खबरें।